डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। पूर्व की भांति ही इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास टेंथ के एनसीईआरटी मैथ का आठवां अध्याय जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है, तो उनसे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। आप सभी को उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए यहाँ पे कोण बी समकोण है, अर्थात जो त्रिभुज एबीसी होगा ये एक समकोण त्रिभुज होगा। यदि टेन ए इक्वल्स टू 1/√3, देखिए टेन ए का मान 1/√3 दे दिया गया है, तो निम्नलिखित अर्थात नीचे जो लिखित है उनका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए उनका मान ज्ञात करना है। सबसे पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो इन दोनों का मान हमें इसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक समकोण त्रिभुज है ये जो है फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण बी समकोण, अर्थात जो समकोण होगा वो आपका बी हो जाएगा। रेस्ट जो है ए बच गया और सी बच गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है ये समकोण हो गया। अब इसमें आपको दे दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर समकोण आपको दिया ही गया है, जो आपने क्वेश्चन के अनुसार ही लिया है, तथा टेन ए इक्वल्स टू 1/√3 दे दिया गया है। तो देखिए टेन ए आप इस त्रिभुज के अनुसार से ए एंगल ये हो गया, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो ए के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने की भुजा बी सी, तो इसको आप लिख सकते हैं बराबर बी सी बट्टा, इसके लिए आधार क्या होगा ए के लिए उसकी संलग्न भुजा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण तो एक ही होती है, कर्ण तो है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, तो थीटा के सामने अर्थात ए के सामने की भुजा बी सी लंब, समकोण के सामने की भुजा ए सी कर्ण, और जो रेस्ट भुजा ए बी बच गया ये आधार हो गया, तो बी सी बट्टा ए बी हो गया। तो देखिए टेन ए का मान 1/√3 है, और टेन ए समकोण त्रिभुज ए बी सी के अनुसार बी सी बट्टा ए बी के बराबर होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कहीं ना कहीं बी सी का मान 1 और ए बी का मान √3 होगा, तभी टेन ए बराबर 1/√3 आया होगा। तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, या बी सी बराबर आपके पास 1 इकाई आ गया चूंकि ये त्रिभुज की भुजा है, ए बी बराबर √3 इकाई आ गया। तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो रेस्ट भुजा है जो आपको पता नहीं है ए सी, जिसे आप कर्ण कह सकते हैं, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हैं, कर्ण बराबर होता है √√लंब² अर्थात ए बी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात बी सी का स्क्वायर। या आपको पता होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, स्क्वायर हटने पे यहाँ पे रूट लग गया है। तो अब ए बी का मान देखिए आपके पास √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर आपको पता होगा 3 ही होगा और 1 का 1, तो 3 1 हो गया आपके पास 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या हो गया 2 इकाई हो गया। अब देखिए आपको समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी भी पता हो गया √3 इकाई, बी सी भी पता हो गया 1 इकाई, और इस दोनों की सहायता से आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके ए सी भी प्राप्त कर लिए 2 इकाई। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी बराबर। अब देखिए एंगल ए के लिए साइन थीटा आपको पता है लंब बट्टा कर्ण होता है, तो एंगल ए के लिए लंब बी सी और कर्ण ए सी, ए कर्ण में कोई भी बदलाव नहीं होगा, हर एक स्थिति में कर्ण ए सी ही होगा, केवल लंब आधार परिवर्तन होगा थीटा के अनुसार। तो अगर ए थीटा लेंगे तो लंब बी सी हो जाएगा, आधार ए बी होगा, अगर सी थीटा लेंगे तो सी के सामने की भुजा ए बी लंब हो जाएगी और बी सी जो है ये आधार हो जाएगी, और कर्ण जो है ए सी फिक्स ही रहेगी। तो ये आपने बेसिक थ्योरी का जो मैंने वीडियो आपको बताया है
वीडियो बना के बताया है, उसमें आपको पता होगा कि थीटा के अनुसार लंब आधार कैसे परिवर्तन होता है और कर्ण जो है इक्वल ही रहता है, समान ही रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। वैसे आप अभी याद रख सकते हैं कि अगर आप थीटा ए लेंगे तो ए के सामने की भुजा आपको सिर्फ सिंपल फॉर्म में याद रखना है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और जिस जो शेष भुजा बच जाती है वो आपका आधार हो जाती है। तो ए एंगल के लिए बी सी लंब, ए सी कर्ण और ए बी आधार। इसी प्रकार सी एंगल के लिए ए बी लंब, ए सी कर्ण और बी सी आधार हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, साइन ए बराबर ए के लिए देखिए साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण तो बी सी बट्टा ए सी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी सी बट्टा ए सी। देखिए यहाँ पे ऊपर दिखाना पड़ रहा है तो यहाँ पे मैं जो है ट्रायंगल सेम बना ले रहा हूँ, इसको आपको बार बार नहीं बनाना है। ये आपका बी है, ए है, सी है। तो यहाँ पे देखिए बी सी बट्टा ए सी इंटू कॉस सी, तो कॉस थीटा आपका आधार बट्टा कर्ण होता है तो सी के लिए आधार क्या हो जाएगा बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी बट्टा आधार बट्टा कर्ण होता है ए सी प्लस कॉस ए, ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी बट्टा कर्ण ए सी और इंटू साइन सी के लिए लंब, लंब बट्टा कर्ण तो ए बी बट्टा ए सी, तो इसे ए बी बट्टा ए सी। अब आपको सभी का मान पता है, बी सी का मान वन है और ए सी का मान आपने दो निकाला है, तो वन बाई टू गुने वन बाई टू, ये इंटू इसका मतलब इंटू होता है गुना, प्लस ए बी आपने निकाला है रूट थ्री आपको पता है और ए सी टू है तो रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया वन बाई फोर और प्लस थ्री बाई रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करेंगे तो थ्री हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, तो वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन प्लस थ्री बाई फोर अर्थात ये फोर बाई फोर हो जाएगा, फोर से कैंसिल होगा, इसका आंसर आपका वन हो जाएगा। और दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा जो आपको निकालना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो आप देख सकते हैं अभी अकॉर्डिंग टू फिगर जैसे एंगल चेंज होता है तो लंबाधार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कर्ण जो है हर एक स्थिति में ए सी ही रहेगा। तो यहाँ पे अब कॉस ए, ए के लिए कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण तो ए बी बट्टा ए सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर ए बी बट्टा ए सी इंटू कॉस सी, सी के लिए आधार बट्टा कर्ण बी सी बट्टा ए सी, तो बी सी बट्टा ए सी माइनस साइन ए, तो ए के लिए लंब बट्टा कर्ण तो बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी इंटू यहाँ पे देख सकते हैं साइन सी, तो सी के लिए लंब बट्टा कर्ण ए बी बट्टा ए सी, तो ए बी बट्टा ए सी। अब आप इसमें मान रख सकते हैं, तो चलिए मान रखते हैं यहाँ, यहीं पे आप रख दीजिए, ए बी का मान आपको पता है रूट थ्री है तो रूट थ्री बाई टू ए सी आया है गुने बी सी वन बाई टू माइनस बी सी का मान है वन बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका आ गया, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर, तो देखिए रूट थ्री बाई फोर में से रूट थ्री बाई फोर कट जाएगा, माइनस करेंगे तो आंसर इसका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो सॉल्यूशन मैंने बताया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।